हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये टिकिया बनाकर बताऊंगी। तो देखिए, पहले इस तरह से राउंड कर लेंगे, उसके बाद पांच चैन लेने के बाद जहाँ से शुरुआत किए थे वहाँ पे इसे होल्ड करेंगे। देखिए, खींच कर इसे यहाँ पे इस तरीके से होल्ड कर देंगे, मतलब बांध देंगे। देखिए, बांधने के बाद एक और चैन लेंगे और इस तरीके से डबल क्रोशिया करके तीन बार फंदा निकालेंगे। देखिए, डबल क्रोशिया कर लेंगे, उसके बाद तीन बार फंदा निकाल कर और इसे बांध देंगे इस तरीके से। देखिए, तो ये पफ बन जाएगा। उसके बाद फिर से तीन चैन ले लेंगे, उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया करके हमें तीन बार फंदा निकालना है। डबल क्रोशिया तीन बार निकाल लेंगे और उसी तरीके से पफ बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरे राउंड में गोल कर लेंगे। तो चलिए, अब देखिए, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी।
देखिए कैसे बना है, देख ली, उसके लास्ट में से पकड़ के बांध दिए हैं। इस तरीके से पूरा राउंड हो गया है। तो आप इतना छोटा छोटा भी टिकिया बनाकर ज्वाइन करके अच्छा सा खूबसूरत गेट पर्दा या थालपोस भी आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। उसका जिसे हम कट कर देंगे, देखिए इस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद इसे हम कट कर देंगे कैंची की मदद से। तो देखिए ये वाइट कलर से बनकर टिकिया रेडी हो गया। और अब इसमें हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। देखिए डार्क ग्रीन नहीं है। इस तरीके से पहले क्रूस में गांठ बना लेंगे, उसके बाद जो टिकिया है वहाँ पे इसे हम पकड़ कर होल्ड कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से फिर से हमें डबल क्रूसिया तीन बार निकालना है। उसके बाद फिर तीन चैन लेंगे, उसके बाद फिर से डबल क्रूसिया हमें तीन बार निकालना है। आप तीन से ज़्यादा भी चैन ले सकती हैं। अगर थोड़ा कम चैन रहेगा तो गुलाई इसका छोटा पड़ जाएगा, इसलिए पांच चैन ले सकते हैं। देख लेंगे इसके हिसाब से, गोल ना हो ये, इसका गुलाई अच्छे से बने उस हिसाब से चैन लेंगे। तो इस तरीके से पूरा बनेगा। तो आप लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए कोशिश करती हूँ कि वीडियो अपलोड करती रहूँ। तो आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।